SGS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि आधार एवं नामांकन क्रमांक को बिना रसीद के कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने गूगल सर्च बार पर लिखिए UIDAI.gov.in। तो इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया .gov.in, और एंटर कीजिए। तो देखिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट खुलती है। यहाँ पर आप अपने राइट साइड आधार सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो देखिए एक नया टैब खुलता है। इस नए पेज के खुलने के बाद आप अपने लेफ्ट साइड नीचे फाइंड यूआईडी एंड ईआईडी पर क्लिक करें। तो देखिए एक नया पेज खुलता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आधार नंबर को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखिए और इसके नीचे ईमेल जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय आधार फॉर्म में लिखा होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिखिए और इसके बाद सिक्योरिटी कोड जो इस इमेज में दिया हुआ है। अगर आपको यह इमेज समझ में नहीं आ रहा है या आप सही से नहीं देख पा रहे हैं तो आप ट्राई अनोदर पर क्लिक करके इस इमेज को बदल सकते हैं और इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जो कि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए होगा, तो वो यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी, इसके बाद ही आपके मोबाइल पर एक और मैसेज आएगा, उस पर आपके आधार नंबर होंगे। अब स्टेप टू, अगर आप एनरोलमेंट नंबर यानी कि जो आपके रसीद पर नामांकन नंबर दिए थे उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यही प्रक्रिया दोहराइए, अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इमेज, गेट ओटीपी और मैसेज के आने पर वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे, फिर वेरीफाई ओटीपी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।